आज हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वजाइनल ईचिंग। कई बार सफेद पानी जाना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जलजल होना, फनफन होना, ईचिंग होना वजाइना के अंदर, वजाइना के बाहर, प्राइवेट एरिया पे, ग्रोइन एरिया पे, स्क्रैच करने पे खून आना या ईचिंग होना, इस कंडीशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। आपको लग रहा होगा कि ईचिंग ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, कुछ क्रीम से या कुछ डस्टिंग पाउडर से वो ठीक हो जाता है, और ठीक होता भी है। पर आज इस वीडियो में हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो मैक्सिमम लोगों को होता है, और जो कंडीशन सालों साल से रहती है, जो बहुत ही पुरानी बीमारी है, और ये बार बार आने वाली बीमारी है, रिलैप्सिंग है, रीअकरिंग है, ट्रीटमेंट्स होने के बाद, दवाइयां होने के बाद, महीने होने के बाद, सालों साल के बाद भी ये इन्फेक्शन जो है जाता नहीं है, इचिंग जाती नहीं है, या ऐसा इन्फेक्शन जिसे पेशेंट्स को लगता है कि ये ठीक होगा ही नहीं, इनक्योरेबल है। और ऐसे कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आयुर्वेद किस तरह से इस कंडीशन के जड़ तक पहुंचकर इस जड़ को बाहर निकालता है, जिससे आपको इचिंग या ऐसे इन्फेक्शन से परमानेंट रिजल्ट मिलता है। इस वीडियो में हम कुछ कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे कैसे टाला जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है, इसके दवाइयां क्या है, या इसके टिप्स और होम रेमेडीज क्या है, जिससे आपको इस ईचिंग से परमानेंट रिलीफ मिलता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोबीस। वजाइना में ईचिंग होना, अंदर या बाहर बहुत ज्यादा ईचिंग एक्सपीरियंस होना, इसे कहते हैं प्रुराइटिस वल्वे। एज पर द आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी 5000 साल से हम इसे कहते आ रहे हैं योनि तंडू। अगर आपने इस वीडियो को देखा है कि आयुर्वेद क्यों और किस तरह से त्वचा रोगों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, तो उस वीडियो में हमने एक सेंटेंस के बारे में कहा है, यानी कफ नास्ति कंडू शोथ। कंडू यानी ईचिंग और शोथ यानी स्वेलिंग। ईचिंग और स्वेलिंग ये कफ के बड़े बगैर होता ही नहीं है। जब जब शरीर में कफ बढ़ रहा है, तब तब ईचिंग बॉडी में बढ़ रही है। जैसे कफ बढ़ता है, ईचिंग भी बढ़ रही है। इसीलिए आयुर्वेद का फोकस ये रहता है कि इस बढ़े हुए कफ को कम किया जाए, या इस बढ़े हुए कफ को शरीर से बाहर निकाला जाए, जिससे ईचिंग से हमें परमानेंट रिलीफ मिलता है। और इस कफ को कम करना या बढ़े हुए कफ को बाहर निकालना किया जा सकता है कुछ पंचकर्मा से, यानी कुछ शोधन चिकित्सा से, या किया जाता है कुछ आयुर्वेदिक दवाओं से, या किया जाता है पथ्य से, यानी कुछ खाने के परहेज फॉलो करने से। उस वीडियो में और इस वीडियो में हम यही कह रहे हैं कि पथ्य जो कफ को कम कर रहा है, यानी हमें मधुर, आम्ल और लवण, यानी स्वीट, मीठी चीजें, खट्टी चीजें और नमकीन चीजें, इनको कम करना है या इनको पूरी तरह से टालना है। हमें दही, अचार, नींबू, बैंगन, ये सारी चीजों को पूरी तरह से कम करना है या अवॉइड करना है, जिससे शरीर का कफ कम हो रहा है और जिससे ही शरीर की ईचिंग जो है वो डेफिनेटली कम होती है। सो ये हो गया एक एस्पेक्ट, यानी पथ्य। हम आज पूरी तरह से डिस्कस करने वाले कि दवाइयां क्या है, पंचकर्मा क्या है, जिससे आप सभी को इस कंडीशन से परमानेंट रिलीफ मिलता है। सो पहले समझते हैं कि इसके क्या कारण है। सो अनहाइजेनिक एटमोस्फियर, प्रॉपरली देखभाल या क्लीनिंग अच्छी तरीके से नहीं करना, हाइजीन नहीं फॉलो करने के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या सेक्सुअल इंडल्जेंस के बाद प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करने के वजह से, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिसिन, आप सालों साल से कोई दवा ले रहे हो, या हेडेक हो गया दवा ले ली, थोड़ा सा ईचिंग हो गया दवा ले ली, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिसिन से ये तकलीफ होती है, इम्यूनिटी कम होती है और आपका प्रॉब्लम बढ़ते ही जाता है। Persistent skin infection, अगर आपको पहले से कोई skin infection है, जैसे fungal infection, psoriasis, lichen planus, seborrheic dermatitis, ऐसे कुछ skin infections अगर पहले से है, इसके वजह से ये itching दिखाई देती है। Excessive vitus discharge, repeated episodes है, इसके वजह से ये itching रह सकती है। कई सारे इसके कारण है जिसके वजह से शरीर में कफ जो है वो बढ़ रहा है, और इस कफ के बढ़ने के वजह से बाकी के दोष विकृत हो रहे हैं, और इसके वजह से पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज्यादा itching, बहुत ज्यादा जलजल, वजाइना के अंदर बाहर वाइट डिस्चार्ज होती है। देर इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, देर इज मेंटल इम्बैलेंस, क्योंकि काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा ध्यान है ईचिंग के ऊपर, ध्यान है नीचे के पार्ट पर, प्राइवेट एरिया पर, तो ये बहुत ही सताने वाली बीमारी है। कई सालों से पेशेंट्स को ये
बीमारी है, सभी तरह के ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं पर फिर भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और आज हम बात करने वाले किस तरह से हमें इस चीज के लिए परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। हम डिस्कस करने वाले ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल मेडिसिंस के बारे में भी जो इंटरनली एक्सटर्नली पेशेंट्स ले सकते हैं। उसके पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या कुछ होम रेमेडीज के बारे में जिससे आप सभी को डेफिनेटली फायदा होगा। सो नंबर वन टिप ओवर हियर, हमें ध्यान देना चाहिए और या समझना चाहिए कि ये इचिंग पहले तो है क्यों, क्या ये पुराने या पहले या दूसरे कोई प्रॉब्लम के वजह से है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए बिकॉज डॉक्टर विल टेल यू और डॉक्टर विल ट्रीट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम फर्स्ट। नंबर टू, आपको हाइजीन अच्छे से फॉलो करना चाहिए। टाइम टू टाइम क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइफस्टाइल में यू हैव टू ऐड सिड्स बाथ। आपको सिड्स बाथ दिन में एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना ही चाहिए। जो मूल व्याध यानी पाइल्स फिशर फिस्टुला के जो तकलीफें रहते हैं, जिसके लिए जिस तरह से सिड्स बाथ लेते हैं उसी तरह से आपको सिड्स बाथ यानी गर्म पानी में बैठना है। बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर इस कंडीशन में आपको एक चम्मच त्रिफला पाउडर, त्रिफला यानी तीन फलों का कॉम्बिनेशन, आमलकी हरितकी विवतकी, अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप त्रिफला के साथ विडंग चोपचिनी और नाग केशर ये चार दवाओं को मिक्स करते हो, इसका एक बड़ा टेबलस्पून आधे बकेट में अगर आप डालते हो जो कि पानी गर्म हो, और उस गर्म पानी में अगर आप बैठते हो तो इसका आपको बहुत फायदा होता है। तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, ऐसे द्रव्य जो कड़वे और जो कषाय रसात्मक एस्ट्रिंजेंट हो, हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें, और ये ऐसे वजाइनल इचिंग के लिए इसके बहुत फायदे होते हैं। अगर इचिंग सीवियर है या बहुत डीप है तो ये सिद्ध बात जो हमने कहा है यानी त्रिफला, विडंग, नाग केशर, चोपचीनी, ये चूर्ण आयुर्वेदिक स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। अगर कोई नहीं मिले तो जो भी आपको द्रव्य मिले उस द्रव्यों का सिड्स बाथ, उसका एक काढ़ा बनाकर आपको उस गर्म पानी में बैठना है। अगर सीवियर है तो दिन में दो या तीन बार लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा है कि टाइम टू टाइम आपको उस पार्ट को, वजाइना को इंटरनली थोड़ा सा और एक्सटर्नली प्राइवेट एरिया पर आपको क्लीन करना है कुछ आयुर्वेदिक डिकॉक्शन से, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको लेना है 300 से 500 ml पानी, और इस पानी में आपको इक्वल अमाउंट ऐड करने हैं टंकन भस्म, कुटकी, नीम, हल्दी, विडंग, चोपचीनी, नाग केशर, ये सारे द्रव्यों जो तिक्त कषाय रसात्मक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारे पाउडर्स को आपको एक डब्बे में स्टोर करने हैं, और आपको साधारण 2 से 3 चम्मच इस 500 ml पानी में डालने हैं, बॉइल करना है, इस पानी को आधा करना है, स्ट्रेन करना है, एक थर्मस में भरना है। जब भी आपको इसे यूज करना है एक कप में इस पानी को लेना है, इस लिक्विड डिकॉक्शन को लेना है, एक कॉटन बॉल लेकर इसमें डिप करना है, और आपको पूरे प्राइवेट एरिया पर, वजाइना के पास, वजाइना के बाहर, हर जगह पर आपको क्लीन करना है। सारे इचिंग के एरिया पर जख्म अगर हुई है तो उस इचिंग को आपको क्लीन करना है। दिन में 2 से 4 या 2 से 5 बार आपको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना है। एक बार काढ़ा बनाया तो 24 hours तक रख सकते हैं। एवरी डे यू हैव टू मेक न्यू डिकॉक्शंस एंड क्लीन द पर्टिकुलर एरिया विथ सर्टन आयुर्वेदिक डिकॉक्शंस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप, आपको हाइजीन फॉलो करना ही है, टाइम टू टाइम अंडरगार्मेंट चेंज करना है, आपको सार और सॉल्टी फूड्स, खट्टे और नमकीन चीजें कम या बंद करनी है। डाइट टू फंगल इन्फेक्शन, डाइट टू स्किन इन्फेक्शन, इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो है यूट्यूब पर, आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि पथ्य इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें 1 से 2 साल लगने वाले थे ठीक होने के लिए, पर उन्होंने पूरी तरह से रिकवरी उन्हें मिली है 1 से 2 महीने में। ऐसे 10,000 से ऊपर केसेस है जहां पर कहीं असाध्य फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, जो ठीक ही नहीं हो रहे थे, और बहुत ही कम समय में उन्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिला है, और उसका एकमेव रिजल्ट और या एकमेव कारण आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जो है तो वो है पथ्य और पेशेंट का सीरियसनेस। डाइट इज वेरी वेरी यूजफुल। सो नमकीन और खट्टी चीजें आपको कम करनी है या पूरी तरह से अवॉइड करनी है। खदीर चूर्ण का आप उपयोग कर सकते हो इंटरनली, 1 चम्मच खदीर दिन में 2 से 3 बार, ओवर द ग्लोब इट इज अवेलेबल। सो आधे कप कोमट पानी में या आधे कप वार्म वाटर में आप इसको ले सकते हो दिन में 2 या 3 बार, या इसका काढ़ा बना सकते हो। 2 कप पानी, 1 चम्मच खदीर, बॉइल इट, मेक इट अप, स्ट्रेन द लिक्विड एंड टेक अराउंड 20 टू 30 ml ट्वाइस और थ्राइस अ डे
फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सो इंटरनल और एक्सटर्नल टिप्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर हम ओवर द काउंटर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली कॉमनली यूज मेडिसिन आर एक्टिव वेद इंडिया मेंस्ट्रा सी मेड सिरप एंड एक्टिव वेद इंडिया सोरा सी मेड सिरप। मेंस्ट्रा सी मेड इस टॉनिक में आयुर्वेदिक हर्ब्स एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कुमारी, कस्तूरी, लोधर, पद्मक, रसोन, अशोका, सारीवाई, सारे कॉम्बिनेशंस इस टॉनिक में प्रेजेंट है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूटेरिन टॉनिक। कहीं सफेद पानी जाना, वाइट डिस्चार्ज या मेंसेस में पेन होना, डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, एक्सेसिव फ्लो, क्लॉट्स, पेन, इस सारे कंडीशंस में मेंस्ट्रा सी के बेस्ट रिजल्ट्स है। ये शरीर को बल देने का काम करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूटेरिन टॉनिक। सो मेंस्ट्रा सी मेड और सोरा सी मेड में सारे कुष्ठग्न द्रव्यज है, जैसे खदीर, निम्ब, वचा, दारु हरिद्रा, सारे कुष्ठग्न द्रव्यज जो कहीं फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा को जड़ से ठीक करता है। और इसके कहीं सारे बिफोर एंड आफ्टर्स हम रेगुलरली सोशल मीडियाज पर पोस्ट करते हैं। सो दो चम्मच सोरा सी मेड, दो चम्मच मेंस्ट्रा सी मेड विथ 4 teaspoons ऑफ वाटर ट्वाइस और थ्राइस अ डे इज हैविंग ग्रेट रिजल्ट्स। इसके साथ साथ कहीं प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे ल्यूकोमैप हो गया, ल्यूकोरिन हो गया, अट्रिक कैप्सूल हो गया, कहीं सारे कॉम्बिनेशन है, फेमीफ्लेक्स है, वी जेल है, कई सारे मेडिसिन है जिसके बेस्ट रिजल्ट्स है। अगर हम शास्त्रोक्त द्रव्यों के बारे में बात करें, क्लासिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो चंद्रप्रभावटी, लोधरा असव, अशोकरिष्ट, महामंजिष्टादि काढ़ा, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, कई सारे कॉम्बिनेशन है। पर इनमें से एन आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो प्रकृति के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके कंडीशन के लिए कौन सा हर्ब बेस्ट है, कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट है, वो गाइड किए जाते हैं, जिससे ही प्रॉब्लम के रूट कॉज को बाहर निकाला जा सकता है। और कहीं असाध्य रोग है या कोई बड़ी बीमारी है, सीवियर कंडीशन के लिए पंचकर्मा। पंचकर्मा इज लाइक अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। पंचकर्मा यानी बॉडी को क्लीन करना, बॉडी को क्लीन करना, डिटॉक्सिफाई करने का कोई ऑथेंटिक तरीका आज तक आया है तो दैट इज ओनली पंचकर्मा, विच क्लेंजेस द एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सो पंचकर्मा पेशेंट को गाइड किया जाता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर। और एक बार अगर फिश टैंक खाली हो गई है तो अच्छा पानी भी ऐड किया जा सकता है और वहां पर फिल्टर भी लगा सकते हैं कि फिश टैंक फिर से गंदी ना हो। सो ऑलवेज पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन इज मस्ट। और उसके बाद अगर हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी चीज अगर हम लगाते हैं, लेते हैं, इट हैज द बेस्ट रिजल्ट्स। अब्सॉर्प्शन जो है उसका बढ़ता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। पंचकर्मा, औषधि एंड द पथ्य, दीज थ्री हैव द बेस्ट रिजल्ट्स। मेक श्योर यू फॉलो द थ्री इफेक्टिव टिप्स दैट वी गेव यू इन दिस वीडियो, जिससे कि रूट कॉज जो है प्रॉब्लम का वो जड़ से निकल जाता है। कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वी'd बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। डू लाइक, शेयर दिस वीडियो फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोबीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।